हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे कैसे रीसेट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल पर फ्लिपकार्ट सर्च कर लेते हैं और अगर आपके पास फ्लिपकार्ट की ऐप है तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में प्रोसेस सेम ही रहेगा। अभी हमने फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऊपर लिखा है लॉगिन एंड साइन अप, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इधर इंटरफेस पे भी लॉगिन का ऑप्शन है, तो आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है या मोबाइल नंबर डालना है, तो चलिए यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, अब इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब ये कह रहा है कि आपके मोबाइल पर हमने एक मैसेज किया है, ओटीपी भेजा है, तो चलिए वो ओटीपी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों, जो मोबाइल पर ओटीपी आया वो हमारे मोबाइल पे जो ओटीपी आया वो डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे ईमेल मेरा जो रजिस्टर है उसके ऊपर भी एक ओटीपी आया है, तो ये ओटीपी भी मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों, वो जो ईमेल पर ओटीपी आया है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको यहाँ से हम वेरीफाई कर देते हैं। दोस्तों, अब ये कह रहे हैं कि आप अपना नया पासवर्ड यहाँ पर सेट करें। चलिए यहाँ पर मैं अपना नया पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना नया पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ से हम डन कर, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस था फ्लिपकार्ट का पासवर्ड भूल गए तो रिकवर करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।